नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करण जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट जीके। हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, उसी कड़ी का ही हमारा तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 2020 की प्रमुख महिलाएं। किस महिला को पहली बार कहाँ पर नियुक्त किया गया, कौन सी महिला किस वजह से चर्चा में रही, या किस महिला को किस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई, इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है जो हमारी इस वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव है वह किस महिला को प्राप्त हुआ है भाई। राफेल विमान है 2016 से सबसे ज़्यादा चर्चा में यही विमान रहा था, और जब यह भारत में आया तो मीडिया ने दो तीन दिन जो न्यूज़ है वो राफेल विमान की ही दिखाई थी भाई। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी नींबू लेकर फ्रांस गए थे जो राफेल विमान आए, और इसके टायरों के नीचे नींबू को दे के आए थे भाई, अपना ये स्कून माना जाता है, तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो राफेल विमान भारत में आने के बाद पहली बार किस महिला को इसे उड़ाने के लिए चुना गया अभी, उसका नाम है शिवांगी सिंह। क्या नाम है भाई? शिवांगी सिंह भाई। और ये जो शिवांगी सिंह है ये उत्तर प्रदेश जिले की रहने वाली है भाई। महिला का क्या नाम है? शिवांगी सिंह। कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है भाई जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी जिले की रहने वाली है, और ये वाराणसी वही शहर है जहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद हैं भाई। वाराणसी से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो लोकसभा के सांसद हैं। तो पहला क्वेश्चन था ये राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर आपका शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आज तक पंजाब के इतिहास में किसी भी महिला को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था भाई। पहली बार किसी महिला को पंजाब राज्य की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इसका? विन्नी महाजन। क्या नाम है भाई? विन्नी महाजन भाई। तो विन्नी महाजन को पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था अभी, और पंजाब राज्य की ये रहने वाली है। पंजाब राज्य से एक क्वेश्चन और याद रखना, जो हमारी जो केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया भाई। वो भी किस राज्य की थी? पंजाब की। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वीपी बदनौर। राज्यपाल कौन है भाई? वीपी बदनौर भाई। और कोरोना के दौरान सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा बना था आपका? पंजाब। कौन सा बना था भाई? पंजाब। और पंजाब का एक शहर है जालंधर, जहाँ पर 2019 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन है, वो कहाँ पर हुआ? जालंधर में हुआ था। जालंधर कहां पे? आपका पंजाब में। तीसरा क्वेश्चन है भाई, ये पाकिस्तान देश से रिलेटेड है कि पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान की जो सेना है उसमें आज तक लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कोई भी महिला नहीं पहुंची थी। पहली बार 2020 में कोई महिला इस पद तक पहुंची है, उसका क्या नाम है भाई? निगार जौहर। क्या नाम है? निगार जौहर भाई। तो निगार जौहर पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली महिला बनी है भाई। किस देश के अंदर? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। प्रधानमंत्री कौन है भाई? इमरान खान। दो तीन नाम और याद करना आप पाकिस्तान से, एक नाम याद रखना आप राहुल देव।
राहुल देव भाई। तो जो राहुल देव है इनको पाकिस्तान का पहला हिंदू पायलट चुना गया भाई। राहुल देव को पाकिस्तान का पहला हिंदू पायलट चुना गया है। और एक नाम और याद करना आप, कृष्णा कुमारी भाई। कृष्णा कुमारी को पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सांसद चुना गया था। भाई और लेफ्टिनेंट जनरल वो किसे चुना गया है? निगार जोहर को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पुरस्कार के क्षेत्र से है जिसको गणित का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित का नोबल पुरस्कार है वो किसे कहा जाता है भाई? एबल प्राइज। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अब आपके सामने आपका क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? एबल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? आज तक किसी भी महिला को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था भी, और पहली बार ये 2019 का है जो गणित का नोबल पुरस्कार एबल पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो इसका नाम है भाई आपका करेन उहलेनबके। इसका नाम है जो HSSC और SSC में पूछा भी जा चुका है भाई। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? करेन उहलेनबक भाई। इसको आप याद कर लेना, आज तक किसी भी महिला को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। कई बार पूछते हैं एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैक्स से। गणित का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है भाई? इसको एबल पुरस्कार को भी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, फेड कप आर्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फेड कप आर्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर है टेनिस की भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका नाम है सानिया मिर्जा भाई। तो सानिया मिर्जा को फेड कप आर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में सानिया मिर्जा को यह पुरस्कार दिया गया था भाई। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना, फेड कप का नाम बदल कर क्या नाम किया गया भाई? सितंबर 2020 में इस कप का नया नाम किया गया था और मैंने अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर इसको करवा भी रखा है भाई। तो अब इसका आंसर देना, फेड कप का नया नाम क्या रखा गया है? अगला क्वेश्चन अभी, भारत एक राज्य है जो सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है जिसको केरल के नाम से जाना जाता है भाई। तो केरल राज्य की पहली महिला DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल राज्य की पहली महिला DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया था भाई? तो पहली बार किसी महिला को केरल पुलिस में DGP के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या नाम है भाई? आर श्रीलेखा को केरल पुलिस में DGP के पद पर नियुक्त किया गया भाई। और केरल वही राज्य है जिन्होंने CAA के खिलाफ सबसे पहले प्रस्ताव पास किया था भाई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट है, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई? तो मिलता जुलता नाम है भाई, जिसने राफेल विमान उड़ाया था उसी नाम की महिला ये है जो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी थी भाई। क्या नाम है इनका? शिवांगी को इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है शिवांगी सिंह, जिनको इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ
द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन बनी थी भाई। ठीक है भाई, आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को ये पुरस्कार नहीं मिला था, पहली बार मिला था किसे, रानी रामपाल को। रानी रामपाल को भाई, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, हरियाणा जिले से, हरियाणा राज्य से रहने वाली है भाई। इन्हीं को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था और इससे पहले किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं मिला था भाई। और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसका नाम है भाई नुपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नुपुर कुलश्रेष्ठ भाई, काफी चर्चित टॉपिक है भाई आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा भाई। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक आप देखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला जज बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। भारतीय सेना की पहली महिला जज बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई। पहली बार किसी महिला को भारतीय सेना के लिए जज के रूप में नियुक्त किया गया भाई, और इनका क्या नाम है, ज्योति शर्मा। क्या नाम है भाई, ज्योति शर्मा को पहली भारतीय सेना का जज के रूप में नियुक्त किया गया भाई, किसे, ज्योति शर्मा को। अगला क्वेश्चन है वो भी हमारी इंडियन आर्मी से ही संबंधित है, और क्वेश्चन कौन सा है भाई, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है भाई। पीछे हमने पढ़ा था पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ये भाई भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाली महिला है वो कौन बनी है, और ये हमारी पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है भाई। महिला का नाम है पोंग डोमिंग भाई, अरुणाचल राज्य से संबंधित है पोंग डोमिंग। इन्हीं को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है अभी, पोंग डोमिंग को। अगला क्वेश्चन है भाई, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पीछे हमने पढ़ा था पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, और कल ही हरियाणा की जो पहली महिला सचिव थी केशनी आनंद अरोड़ा वो रिटायर हो गई है। अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया भाई, नीलम साहनी को पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किस राज्य की, आंध्र प्रदेश की, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जगन प्रकाश रेड्डी है यहाँ के मुख्यमंत्री है भाई। 5 यहाँ पर राजधानी है और 3 यहाँ पर है उप मुख्यमंत्री है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में पूछा गया भाई। आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ अभी। इनका संबंध भी भारत से है, और क्या नाम है, जी एस लक्ष्मी को आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया भाई। और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है इमरान ख्वाजा है। शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद जो कार्यभार है वही ये देख रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी, जी एस लक्ष्मी भाई। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस, भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई? तो इसका नाम आपका प्रांजल पाटिल को भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में केरल राज्य में कार्य करता है भाई। वर्तमान में केरल राज्य में कार्य कर रही है प्रांजल पाटिल भाई, और ये भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस है। करंट जीके का भी क्वेश्चन था, और अब ये सदाबहार क्वेश्चन हो चुका है भाई। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? एम्बुलेंस चलाने के लिए पहली बार किस महिला को चुना गया भाई? तो उनका क्या नाम है? एम वीर लक्ष्मी भाई। और ये किस राज्य में एम्बुलेंस को चला रही है? तमिलनाडु में भाई। तो एम्बुलेंस चलाने के लिए पहली बार किस महिला को चुना गया है, या एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है भाई? एम वीर लक्ष्मी। किस राज्य की रहने वाली है? तमिलनाडु की। किस राज्य की भाई? तमिलनाडु की। क्या चलाया पहली बार इसने? एम्बुलेंस भाई। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई? किस भारतीय महिला को पहली बार किसी देश में भारतीय सेना के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया भाई? महिला सैन्य राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका क्या नाम है भाई? विंग कमांडर अंजलि। क्या नाम है? विंग कमांडर अंजलि भाई, विंग कमांडर अंजलि। और इसको किस देश में नियुक्त किया गया भाई? रूस में। किस देश में नियुक्त किया गया है? रूस में। रूस है भारत का एक बहुत ही मित्र देश है भाई। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में सेना के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विंग कमांडर अंजलि को भाई। पहली महिला सैन्य राजनयिक बनने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है भाई? चंद्रिका शाह भाई। बिल्कुल ही आसान है विज्ञान भाई, कभी चांद पर कभी सूरज पर जाने की कोशिश करता है, और इसमें भी क्या है? चंद्रिका चांद भाई। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? चंद्रिका शाह। अगला क्वेश्चन है भाई, 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भाई। तो ये जो महिला है ये आपके पंजाब राज्य की मोगा जिले की रहने वाली है भाई। आपको नाम ध्यान में आ गया होगा, हरमनप्रीत कौर है। ये 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है भाई। और ये हिसाब के लिए क्वेश्चन है, 100 T20 मैच खेलने वाला भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने भाई? 100 T20 मैच खेलने वाला भारतीय टीम का पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? ये भी आप, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत की तरफ से पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारत की तरफ से पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है भाई? तो मणिपुर राज्य की खिलाड़ी है भाई, जिसका नाम है बाला देवी। भारत की पहली पेशेवर फुटबॉलर खिलाड़ी बनी है भाई, जो स्पेन के किसी फुटबॉल के क्लब से जुड़ गई है भाई। जैसे विजेंद्र सिंह पहले पेशेवर मुक्केबाज बना था, ऐसे ही फुटबॉल की पहली पेशेवर खिलाड़ी कौन बनी है? बाला देवी भाई। बाला देवी कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर राज्य की। फुटबॉल की एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था राफेल विमान को उड़ाने वाली, अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिग 21
MiG-21 को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रसिद्ध लड़ाकू विमान MiG-21 को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो उसका राइट आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी को MiG-21 सबसे पहले उड़ाने का गौरव प्राप्त हुआ था भाई अवनी चतुर्वेदी भाई। और रफेल विमान शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई यूएनईपी में गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएनपी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया भाई? ये पहले नियुक्त हो चुकी है 2020 में, इसका जो कार्यकाल है ये दोबारा से बढ़ा दिया, तो इसका क्या नाम है भाई? दिया मिर्जा भाई। तो दिया मिर्जा को यूएनईपी में गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भाई। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई। विश्व में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका नाम है भाई नाओमी ओसाका। और ये जो नाओमी ओसाका है ये जापान देश की खिलाड़ी है भाई, जिन्होंने US Open 2020 का खिताब भी जीता भाई। नाओमी ओसाका वेतन पाने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बनी है, जिसने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया भाई। नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है? ये जापान देश की रहने वाली है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई गूगल पे इंडिया का सलाहकार किस भारतीय महिला को नियुक्त किया गया भाई? कि गूगल पे का इंडिया के अंदर जो सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाई शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया अभी शिखा शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किस महिला के द्वारा बनाया गया है? तो इसका नाम होगा भाई क्रिस्टीना कोच है, ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रह कर आई है, जिन्होंने अंतरिक्ष में कुल 328 दिन बिताए हैं भाई। क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही है भाई, और इसने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया, इससे पहले कोई भी महिला इतने दिन तक अंतरिक्ष में नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन है 2020 का, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2020 का डेन डेविड पुरस्कार है वो किसे दिया गया? मानवता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है डेन डेविड पुरस्कार भाई, और ये 2020 का है किसे मिला भाई? गीता सेन को 2020 का डेन डेविड पुरस्कार दिया गया। डेन डेविड पुरस्कार है किस देश के द्वारा दिया जाता है? इजराइल के द्वारा भाई, और 2020 का किसे मिला? गीता सेन को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया भाई? तो जिस महिला को दिया गया था उसका नाम है
सुचेता सतीश, सुचेता सतीश महिला का नाम है भाई, जिसको 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। और एक लड़की है दुबई की रहने वाली है भाई, और ये कुल 120 भाषाओं में बोल सकती है भाई, 120 अलग अलग प्रकार की भाषाओं में ये बोल सकती है सुचेता सतीश। ये दुबई की एक छात्रा है, इनको 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, सुचेता सतीश को भाई, जिसको 120 भाषाओं की नॉलेज है। अगला क्वेश्चन है भाई, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया भाई। भारतीय एक महिला है जो ज्योतिष के क्षेत्र की जानी मानी, जिसको ज्योतिषकार माना जाता है, उसी महिला को ये इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया भाई। क्या नाम है इनका, सोहनी शास्त्री को, जो कि एक जानी मानी ज्योतिषकार है, उनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, सोहनी शास्त्री भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला किसे चुना गया, वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला किसे चुना गया। तो HCL कंपनी की चेयरमैन है भाई, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है, जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। तो रोशनी नादर मल्होत्रा को भारत की सबसे अमीर महिला का खिताब दिया गया भाई, जिन्होंने सावित्री जिंदल को पछाड़ कर पीछे छोड़ दिया भाई। पहला स्थान है किसने हासिल किया, रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की नई चेयरमैन बनी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब है किसे दिया गया, भारत में दिया जाने वाला है कि ब्यूटी के क्षेत्र का पुरस्कार अभी मिस दिवा यूनिवर्स 2020 है, किस महिला को चुना गया। तो इसका नाम है एडलिन कैस्टेलियो को 2020 के मिस दिवा यूनिवर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो कि एडलिन कैस्टेलिनो है, ये कहाँ की रहने वाली है भाई, कर्नाटक राज्य की ये रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, कर्नाटक राज्य की ये रहने वाली है भाई। तो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो इसका नाम है भाई कैटरीना एकलारो को ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ भाई। तो ये था हमारी आज की करण जीके की बहुत ही बेहतरीन वीडियो भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।